अब डाउटनट ऐप पर मिलेगा क्लास 6 से 12 का सारा प्रश्नों का उत्तर मात्र 3 सेकंड में। कोई भी प्रश्न को अच्छा से क्रॉप कर लीजिए, उसके बाद उसका आंसर आपको 3 सेकंड में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप प्रश्नों का हल मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। आज हम लोग छठे दिन क्रैश कोर्स में VVI शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन गेस केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी चैप्टर का देखेंगे। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ क्रैश कोर्स चल रहा है, आपको पता होगा। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 14 जनवरी से आपको क्लास 10th का भी क्रैश कोर्स इस चैनल पर मिलने लगेगा। जो लोग गेस को लेना चाहते हैं, चाहे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग गेस ले सकते हैं। अब अगर अभी तक जो लोग तैयारी नहीं कर पाए हैं, उनके लिए अंतिम मौका है। आप गेस लेने के बाद एक एक क्वेश्चन को देख के जाइएगा, 80% प्लस क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है, क्योंकि प्रीवियस 10 ईयर के एनालिसिस पे हम लोग प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस बार भी गेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में जो आता है रासायनिक बल गतिकी का इंपॉर्टेंट शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किए हुए हैं, सॉलिड स्टेट किए हुए हैं, सॉल्यूशन चैप्टर किए हुए हैं, पूरा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं, देख लीजिए, सारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट प्लस लॉन्ग है। अगर आप लोग गेस को लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से गेस को पढ़ के अच्छा तैयारी 20 दिन में कर सकते हैं। प्रीवियस 10 ईयर के एनालिसिस पे गेस को तैयार किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे क्या एक्टिवेशन एनर्जी होता है, तो द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी ओवर एंड अबव द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट विच मस्ट बी सप्लाई टू द रिएक्टेंट टू इनेबल देम टू क्रॉस ओवर द एनर्जी बैरियर बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को देखिए कैसे यहाँ पे डिनोट किया जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी का यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्मूला, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रस होल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एंड इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन के इक्वल टू ए माइनस ई माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे ई क्या है, ये यूलर कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है, यूलर कांस्टेंट। आप लोग मैथ में डिफरेंशिएशन बनाते होंगे या क्लास 11th में बेसिक मैथमेटिक्स में बताया जाता है कि ये क्या होता है, ये यूलर कांस्टेंट होता है। एक्सपोटेंशियल फंक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। इसका ये यूलर कांस्टेंट, इसका वैल्यू 2.7 के प्रॉक्स होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा आप सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एज द वैल्यू ऑफ ये इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ के डिक्रीजेज एंड देयर फोर रिएक्शन रेट डिक्रीजेज। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जितना भी आपको यहाँ PDF प्रोवाइड कराया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डायरेक्ट आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन को देख के जाइएगा। एग्जाम के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, एक एक क्वेश्चन को अच्छा से देख के जाइएगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं होने वाला है, क्योंकि आप क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कैसा हम लोग क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, ये बोलने का जरूरत नहीं है। देखिए हिंदी में यहाँ पर है आपका, सक्रिय ऊर्जा क्या है, किसी अभिक्रिया के वेग, स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में संबंध स्थापित करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले के लिए है और ऊपर वाला इंग्लिश मीडियम वाले के लिए था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिव यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे केवल यूनिट पूछा है, हमेशा ये दो नंबर वाला में नहीं तो MCQ के फॉर्म में भी पूछ लेता है, मतलब ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी पूछ लेता है बिहार बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा अल्टरनेट ईयर करके ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन। देखिए ये न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये देख लीजिएगा। इसके बाद इसी के बेस पर एक दो न्यूमेरिकल आप लोग रिविजन कर लीजिएगा, मतलब जो ये आपको बताया गया है यहाँ पे हाफ ऑर्डर हाफ लाइफ पे हमेशा एक दो न्यूमेरिकल आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हो, डायरेक्ट डाटा बेस हो, या आपका दो नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे। देखिए हिंदी मीडियम वाले के लिए है,
प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध आयु काल 10 मिनट है, प्रतिक्रिया का दर लिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराया जा रहा है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा को लेकर। जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 4 फरवरी को ही आपका केमिस्ट्री का पेपर है, इसलिए हम लोग वीक में अभी 3 दिन आपका क्लास चल रहा है और डेली आपका एक चैप्टर का हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको शॉर्ट और लॉन्ग के फॉर्म में प्रोवाइड करा दें। क्योंकि देखिए, एक चैप्टर में आपको हम 20 क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा सकते हैं लेकिन उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपको इंपॉर्टेंट 7-8 क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराएं जिससे आपका एग्जाम 10-15 दिन में भी अगर आप अच्छा से उसको देख लेते हैं, डेली 1-2 घंटा भी अगर इस पर मेहनत करते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आप सिक्योर कीजिएगा एज कम्पेयर टू डॉज स्टूडेंट्स जो अच्छे से पढ़ाई मतलब कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे डिस्क्राइब द काइनेटिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाई इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सच रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे रेट क्या हो गया कि यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है यहाँ पे कंसंट्रेशन के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इससे पहले हम बताए थे कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी जरूर देख लीजिएगा। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी का मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन हिंदी मीडियम वाले देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत मतलब गोल्ड VBI क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले के लिए है और यहाँ पे देखिए जो इंग्लिश मीडियम मतलब ये क्वेश्चन को जरूर आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये 5 नंबर वाला में पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन ये आपका है। इसमें देखिए मिक्स है, शॉर्ट प्लस लॉन्ग आपको कराया जा रहा है, प्रीवियस 5-6 क्लास हो गया, आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ पे। और ये देखिए हिंदी मीडियम वाले के लिए, प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि के गतिकी का वर्णन करें, क्यों प्रतिक्रिया की प्रथम कोटि कभी पूर्ण नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये लॉन्ग में हमेशा आता है, आपको ये देख के लग रहा होगा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको प्रोवाइड करा दिया गया है शॉर्ट प्लस लॉन्ग के फॉर्म में। जो लोग गेस्ट लेके पूरा तैयारी करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग सौरभ सर का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी का गेस्ट ले सकते हैं। देखिए ये केमिकल काइनेटिक्स में एक क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन आपको देख के कैसा लगा है। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इसी में भी लिख लीजिए मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, इसका आप लोग डिफरेंस बिटवीन जरूर देख लीजिएगा, चाहे हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं। ऑर्डर पे क्वेश्चन आपका एक ऑब्जेक्टिव में आना तय है और एक शॉर्ट में हमेशा आता है, चाहे मोलिकुलरिटी से आ जाए, चाहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आ जाए, चाहे इसका कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाए। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे ना शेयर कर रहे हैं, तो जितना हो सके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस वीडियो पर अगर अच्छा लाइक आएगा तो कल से हम लोग आप लोग को फिजिक्स का 35 फिक्स ऑब्जेक्टिव करके 4-5 सेशन लेके आएंगे।